हम और भैया बहुत दिनों बाद ये नानी घर जा रहे थे, तो आप लोग देख सकते हैं अब धानों ये पानी आ चुका है हमारे गांव में, और धान देखिए कितने हरे भरे लग रहे हैं। किसान को बहुत दिक्कत हो रहा था जब तक पानी नहीं आया था, देखिए पूरे धान अब हरे भरे हो चुके हैं और पूरा पानी आ गया है। और ये देखिए हमारे गाँव में फार्म हाउस, ये फार्म भी है, ये मुर्गी फार्म, यहाँ ये पाला जाता है चिकन को। और देखिए कितने ज़्यादा पानी है अब आ चुका है अहरा में, देख सकते हैं आप लोग पानी। ये हमारे गांव का अहरा है, यहीं पानी स्टोर होता है। देखिए पूरे खेत में पानी, देखिए कितना स्पीड में पानी जा रहा है, पानी आ गया है, तब कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पहुँच गए हैं सरबहदा बाजार, हम लोग का मेन बाजार यही है, लेकिन बाजार में नहीं अभी जा रहे हैं, लौटने टाइम आएंगे। ये देखिए यही रोड जाता है नानी घर, आगे मेन रोड पे निकालता है, देखिए यहीं पे मेन रोड पे निकालता है, सीधे यहाँ से जाएंगे नानी घर, ये नानी घर, और वहाँ ये कुछ लेना है और लेकर आ जाना है। फिर रास्ते में तो कुछ काम होता ही है, और फिर हम लोग बाइक को भूख लग गया तो उसे कुछ खिलाने पिलाने लेकर गए, पेट्रोल पे 110 रुपये का पेट्रोल पिलाया। उसके बाद फिर हम लोग लौटते टाइम सरबहदा होते, हम लोग का मेन बाज़ार वही है, हम लोग के गांव से बहुत नज़दीक पड़ता है ये। मेरा नानी घर ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस ये 8 से 9 किलोमीटर है। यही देखिए नानी घर के पास पेट्रोल पंप है, ये नानी घर का ही है पेट्रोल पंप। यहाँ जब भी आप लोग भी यहाँ से जाएँ इस्लामपुर वाले रोड से, यहाँ से पेट्रोल ले सकते हैं। पेट्रोल लेते हुए हम लोग निकल गए नानी घर के लिए। देखिए यही गाँव, यहाँ से हम लोग को लेफ्ट टर्न लेना है, और हमारे नानी घर में एक गैस गोदाम भी है। देखिए ये गैस गोदाम है, यहीं से हम लोग के गांव में गैस सप्लाई होता है। ये देखिए सरबहदा बाजार है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसे अमेजिंग